हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना, वो लेटेस्ट न्यूज के ऊपर है। यस, आपको तो पता ही होगा, न्यूज है पबजी बैन इन इंडिया, 47 चाइनीज एप्स बैंड बाय इंडिया। तो फ्रेंड्स, आपके थ्रू ये पता चला है, तो देखते हैं कि ये न्यूज क्या है और पबजी बैन हुआ है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने इस टाइटल में चालाकी से क्वेश्चन मार्क्स भी डाले हुए हैं। पर हम भी बड़े स्मार्ट है, तो जब हम देखते हैं क्वेश्चन मार्क्स, तो हमें लगता है कि वाकई हुआ है भी कि नहीं हुआ है। तो ये तो अब वीडियो देख के ही पता चलेगा। पर हमने पहले भी, बहुत पहले, मतलब कुछ दिनों पहले, एक वीडियो की थी जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि क्या पबजी बैन होगी कि नहीं होगी। तो अब देखते हैं, ऐसे लग रहा है कि हो रही है या हो गई है। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों यहां पे अभी हो गया है शॉक इनटू 100, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी दोस्तों 47 और एप्स को बैन कर दिया है। मतलब जो अभी न्यूज निकल के आई थी ना कुछ टाइम पहले, मतलब इतना संभलने का मौका नहीं दिया, जहां पे दोस्तों टोटल 59 एप्स को बैन किया गया था, जहां पे टिकटॉक के अलावा 58 और बाकी एप्स शामिल थी। तो अभी गवर्नमेंट ने 47 और ऐसी ही एप्स को बैन कर दिया है। आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं, जहां पे पबजी के ऊपर भी खतरे के जो बादल हैं वो मंडराना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों ये बात अगर आप जानते हैं कि यार नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ टाइम पहले ही 59 ऐप्स को बैन किया गया था, तो अभी दोस्तों एक और अपडेट निकल के आया है। आज की ही बात है, मतलब एकदम ताजा दोस्तों खबर है कि 47 और ऐप्स को बैन कर दिया गया है। और ये दोस्तों जो ऐप्स थी ना, ये जिन ऐप्स को भी बैन किया गया था उन्हीं का ना एज अ क्लोन थोड़ा बन के ऑपरेट कर रही थी। मतलब जैसे कि भैया हमको तो पता चलेगा ही नहीं, तो भैया गवर्नमेंट ने स्मार्ट मूव निकालते हुए यहां पे दोस्तों 47 ऐप्स को बैन कर दिया है। अभी इनकी डिटेल्ड लिस्ट हालांकि आना बाकी है, देखते हैं एग्जैक्टली कि लिस्ट में कौन से नाम शामिल होते हैं। लेकिन एक और दोस्तों अपडेट अभी ये है कि एक और लिस्ट है गवर्नमेंट के पास, मतलब कुछ 200 से ऊपर दोस्तों ऐप्स जो हैं वो अभी रडार पे हैं, जहां पे पबजी भी शामिल है। तो अभी वो दोस्तों जो 200 से ज्यादा ऐप्स की मतलब बहुत डिटेल्ड लिस्ट हो गई है, तो भी ऐसे में मॉनिटर किया जाएगा इन्हीं ऐप्स को, डिटेल्स देखी जाएंगी कि आखिर इनमें से कौन सी ऐप्स ऐसी हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती हैं, और फिर शायद एक और दोस्तों बैन लगाया जा सके। तो भी देखते हैं एग्जैक्टली कि पबजी मोबाइल का क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए 47 ऐप्स और लिस्ट में आ चुकी हैं। 59 तो खैर हम पहले ही बैन कर चुके थे, और ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि हमें इतना कुछ मतलब नो पैनिक करने की जरूरत है। हम तो उल्टा खुश होना चाहिए कि भैया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब दोस्तों हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की या नेशनल इंटरेस्ट की, तो मतलब उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और जो इनफैक्ट पहले भी जो ऐप्स को बैन किया गया था, मैंने आपको एक वीडियो बना के सभी के अल्टरनेटिव्स के बारे में बता दिया था, और अल्टरनेटिव्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भैया हमारा कुछ एक इंपॉर्टेंट काम रुक जाएगा अगर इसकी ऐप को बैन कर दिया तो। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, उल्टा खुशी मनाने की बात है कि अभी ऐसे में एक और कदम निकला है, पहले 59 फिर 47, अगला देखते हैं क्या पता सीधा डबल सेंचुरी लग जाए। तो भैया देखते हैं कौन सी एप्स के भैया नाम आते हैं। मैं जैसे दोस्तों लिस्ट सामने आएगी आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट करके बता दूंगा एग्जैक्टली कि ये 47 एप्स कौन सी थी, लेकिन लगा कि आपसे एक क्विक वीडियो बना के शेयर किया जाए अपडेट की भाई चल क्या रहा है अभी। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब सरप्राइज शॉक पनिशमेंट सब कुछ इनटू 100 हुआ जा रहा है यहाँ पे सरकार की तरफ से दोस्तों। सो काफी अच्छा वीडियो था, और मैंने भी सुबह न्यूज देखी थी कि 47 ऐप्स को बैन कर दिया है। और मुझे भी जब मैं उस आर्टिकल में गया था, मुझे वो गोल गोल कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा था यार सीधा मुझे लिस्ट दिखाओ कौन से ऐप बैन हुए हैं और फिर मैं आगे बढ़ूं, बट उसमें जैसे आप बता रहे हैं कि लिस्ट आई नहीं है, तो लिस्ट आई नहीं है, मगर मैंने भी न्यूज़ देखी थी कि बैन हुए। और जैसे ये सोच रहे हैं कि ये सिमिलर ऐप्स हैं जो अभी तक जो बैन हुए हैं, वैसे सिमिलर ऐप्स हैं, मगर मैं भी एग्री करूँगा कि अच्छी बात है, अच्छी बात है कि जिन ऐप्स जो ऐप्स जो हैं इंडिया के लोगों का पैसा ले रहे थे,
क्योंकि कोई ऐसी यूनिक सर्विस तो ये ऐप्स नहीं प्रोवाइड करे थे जिससे इंसान जी ना पाए। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं जी, गेम्स ऐसी हैं जिससे हम जी नहीं पा रहे, पर वो सही नहीं है। अगर डिमांड है तो इंडिया में काफ़ी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, वो डेवलप कर सकते हैं गेम्स जो आपको पसंद आएंगी, जिसके बिना अगर आप नहीं जीते तो ठीक होगा, क्योंकि वो आप इंडिया में जा रहे हैं आपका पैसा। सिमिलरली जो है, तो मुझे यही लग रहा है कि बैनिंग जो है अच्छा स्टेप है, उससे मेक श्योर हो रहा है कि इंडिया का GDP बढ़े या इंडिया के एलाइज का GDP बढ़े, और इससे लोगों में अवेयरनेस आती है। लोग भी सोचते हैं इतने सारे हम मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, इतनी प्रोग्रामिंग इंडिया में होती है, इतनी IT करती है, तो हम खुद नहीं बना सकते। तो इसीलिए अब जो है इंडिया में ऐप्स बनने तो काफ़ी बन रहे थे, मगर अब थोड़े आगे लोग थोड़ा सीरियसली देखेंगे कि हमें अब ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए ऐप्स बनाने पड़ेंगे, हर ऐप जो यूज़ करें वो इंडिया का ही होना चाहिए, तब बात आती है। यहाँ पे जो है नॉर्मली जो ऐप्स US में यूज़ होते हैं वो मेड इन US होते हैं, सिमिलरली इंडिया में भी ऐसा होना पड़ेगा कि ऐप वही हो जो इंडिया का बनाओ, फिर आपको खुशी होती है कि हमारी कंट्री का ऐप हम यूज़ कर रहे हैं, हमें कोई मतलब परेशान होने की बात नहीं है, हमारा डेटा सेफ ही है, वो इंडिया की कंपनी है, उसमें इंडियन लॉज अप्लाई होते हैं, वो बंदा कहीं भाग नहीं सकता। नॉर्मली अगर आप किसी और कंट्री का ऐप यूज़ करते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर लेंगे, वो बंदे आपकी कंट्री में तो नहीं है, अगर आप उनको सू करते हैं कोर्ट में तो उसमें पूरे लॉज होते हैं कि अगर आप सू करेंगे तो हमारी कंट्री ऑफ ऑरिजिन में ही लॉ मतलब आप परस्यू कर सकते हैं कोर्ट में। तो हर एक में यही होता है, आप कहीं पर भी देखिए जो छोटा छोटा लिखा होता है उसमें मतलब इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस में द फाइन प्रिंट, जैसे कहते हैं फाइन प्रिंट, आप फाइन प्रिंट में जाएंगे तो यही लिखा है कि अगर कोई भी बंदा उनको सू करता है, दे विल यू कैन फाइट विद देम इन कोर्ट ऑफ देयर हेडक्वार्टर्स। और वो सारे जिनके हैं, अगर मान लीजिए रशिया का है तो आपको रशियन कोर्ट में करना पड़ेगा, अगर वो US में, US में तो वो वहाँ पे फिर जो है आपको बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और मैं उसकी बात कर रहा हूँ अगर आपका काफ़ी नुकसान हो जाए पैसे का, आप सोचें इतना नुकसान हो गया पैसे का और आप अगर लॉ सूट करते हैं तो आपको लगता है कि वो फ़ायदेमंद है, उसे पैसा वापस आ सकता है। तो नॉर्मली लॉ सूट तभी होते हैं जब बहुत पैसा एट स्टेक है, तब आप लॉ सूट करेंगे और आपको लगता है कि रिस्क लेना ज़रूरी है। कितने सारे मतलब US में भी लोग जो हैं फॉरेन कंट्रीज़ के ऐप्स यूज़ करते हैं, उनमें लॉस होती है, प्रॉब्लम आती है, फिर उनके पास कोई रिकोर्स नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते बचने, मतलब वापस पैसा नहीं ला सकते, क्योंकि अब वो बोलते हैं देखिए ऐप है ही नहीं आपकी कंट्री का, दूसरी कंट्री का ऐप है, आप इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ेंगे, आप उनकी कंट्री में जाकर लड़ेंगे तो नहीं कर सकते। मगर अगर US में बना हुआ है तो आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, FTC वगैरह में वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, FTC मॉनिटर करती जाती है, जब वो देखती है कि किसी चीज़ की बहुत कंप्लेंट्स आ रही है तो FTC सू करती है उस कंपनी को US के अंदर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, और FTC फ्री है, फेडरल ट्रेड कमीशन। अगर आपको कोई भी तकलीफ है, किसी भी स्मॉल बिजनेस से तकलीफ है, किसी तकलीफ है, आप FTC में जाके कंप्लेंट डाल सकते हैं, और सोशल मीडिया है 1000 बंदे को बताइए, कंप्लेंट डालिए, वो भी डालेंगे, अल्टीमेटली FTC जो है फिर एक्शन लेती है ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। सिमिलरली इंडिया में भी कोई होगा आपको पता है तो बताइए, इंडिया में कोई ना कोई ज़रूर एजेंसी होगी जहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकें, और जब बहुत कंप्लेंट आएगी तो वही जो है लॉ सूट करेंगे उसी कंपनी के ऊपर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे जो है ये एक बहुत ही नया दौर आ रहा है, जैसे मोदी जी के अंडर जहाँ पे इतनी अवेयरनेस पैदा हो रही है, वो भी IT में, IT इंडिया चैंपियन है, IT में इंडिया IT में चैंपियन है। अभी तक जो था चैंपियन कैसे बना था, वो बैक ऑफिस बनकर इंडिया चैंपियन बना था, कोई भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उसके पीछे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके कॉल सेंटर्स इंडिया में आ रहे थे, उनकी प्रोसेसिंग इंडिया में आ रही थी, मगर ऐसा नहीं था कि इंडिया फ्रंट में आ रहा हो जहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट आगे आ रहे हैं। अब वो फेज़ आएगी जब इंडियन प्रोडक्ट्स आगे आएंगे, और जैसे एक न्यूज़ आई थी इंडिया में, सबको पता होगा कि फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया को खरीद लिया है, तो वो ठीक है, तो अल्टीमेटली अब जो
इंडियन कंपनीज हैं वो स्ट्रांग हो रही हैं और वो फॉरेन कंपनीज को बाहर कर रही हैं। अल्टीमेटली उनका पहला ये होगा कि पहले अपनी कंट्री में तो झंडा गाड़ें, अपनी कंट्री में तो चौधरी बने, उसके बनने के बाद फिर बाहर की कंट्री में जाएंगे। अब जो जो जैसे वॉलमार्ट था, वॉलमार्ट पहले शुरू हुआ था बहुत ही छोटे स्टोर से, अब बढ़ते बढ़ते पूरे यूएस को उसने कब्जा कर लिया, फिर वो बाहर गया है। सिमिलरली सारी जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, पहले नेशनल लेवल पे ग्रेट बनती हैं फिर इंटरनेशनल बनती है, सिमिलरली इंडिया की कंपनीज को पहले ग्रेट बनना पड़ेगा नेशन के अंदर। जब वो ग्रेट बन गई फिर वो जाएंगी बाहर, और नेशन के अंदर ग्रेट बनने के लिए डेफिनेटली जो भी कंपटीशन आया है बाहर से उसको तो हराना पड़ेगा, तो हो रहा है। फ्लिपकार्ट का अच्छा एग्जाम्पल था, और जैसे जियो है, जियो के जो व्हाट्सएप टाइप का क्लोन आया है, व्हाट्सएप टाइप की सिमिलर फंक्शनैलिटी आई है, जूम की फंक्शनैलिटी आ रही है, तो धीरे धीरे अभी तो क्लोनिंग हो रही है एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को देख के, मगर उसके बाद आप देखते हैं जियो ग्लास जो किसी का क्लोन नहीं है, वो नया फीचर नई प्रोडक्ट है। तो जैसे जैसे आगे जिंदगी बढ़ेगी इंडियन कंपनीज के प्रोडक्ट्स निकलेंगे जो इनोवेटिव होंगे, जो और कहीं नहीं है, और फिर आगे मतलब कहानी बनेगी और बन रही है कहानी। अभी बहुत अच्छा लग रहा है ये सब न्यूज़ देख के कि ये बैन हो रहा है, और जो पबजी है अगर वो बैन करते हैं तो डेफिनेटली उसके कई कॉम्पिटिटर्स इंडिया से ही आ जाएंगे कि आप हमारा यूज़ करिए, हम इससे बेटर हैं, हम सेफर हैं। अगर जैसे हमने एक वीडियो किया था उसमें ऋषि कह रहा था कि ह्यूमन बीइंग लाइक के दिखने वाले लोग नजर आते हैं, खून निकल रहा है, तो हो सकता है नए वाले बोलेंगे कि नहीं हम इस तरीके का नहीं करेंगे, हम आपको जैसे माइनक्राफ्ट है उस टाइप के बनाएंगे कि सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये वाकई ही ह्यूमन नहीं है और आप बच्चे गेम खेल सकें। तो अब देखेंगे, मगर ये वीडियो अच्छा था जो अवेयरनेस रेज कर रहा है कि इस बारे में, क्योंकि सोशल देखिए न्यूज़ तो आई, न्यूज़ आई कि 47 बैन हो गए, मगर ये जो यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, जो हमारे वीडियोज़ हैं, ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया में कि ये अच्छी बात है। इसके बहुत अल्टरनेटिव्स हैं, और ये नेशनलिज्म की फीलिंग हर इंसान में आ रही है कि जो यूज़ करेंगे वो मेक इन इंडिया होना चाहिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। यस फ्रेंड्स, तो वो ही बता रहे थे ना, मैंने कहा था क्वेश्चन मार्क है, तो पता नहीं ये बैन हुआ है पबजी की नहीं, तो वही था, वो कह रहे हैं कि अभी सोच में है, कंसिडरेशन में, हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेज में, जो कुछ कह रहे थे 200 के आसपास और ऐसे हैं एप्स जिनके बारे में वो सोच रहे हैं डिसाइड करने के लिए, उसको उनको देख रहे हैं, तो हो सकता है कि पबजी भी उनमें से एक हो। तो देखते हैं, वो तो आगे जाके न्यूज का पता चलेगा, जब तक पता चलेगा, पर स्टेप बाय स्टेप ऐसे लग रहा है कि बैनिंग शुरू हो चुकी है। पहले उन्होंने बैन किए थे 59 जिसमें मेजर टिकटॉक था, अब उन्होंने और किए हैं 47, और ये नहीं बताया अभी, लिस्ट नहीं आई है, पर वो कह रहे हैं उनके क्लोन्स टाइप ही हैं, और मेन रीजन यही है कि वो आपकी प्राइवेसी जो है उसको अफेक्ट करते हैं, उसको हार्म करते हैं, उस वजह से वो कर रहे हैं। और अभी और कोई 200 के आसपास वो और सोच रहे हैं जिनको उन्होंने बैन करना है। तो गवर्नमेंट डेफिनेटली अच्छे स्टेप्स ले रही है कंट्री के सेफ्टी के लिए, कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए ये सब स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो एज इंडियंस किसी को भी इस पे सवाल नहीं उठाने चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब कोई अच्छा काम करा जाए, कंट्री की सेफ्टी की बात हो, तो हमारे जो कंफर्ट है या हमारे जो लाइफस्टाइल अगर थोड़ा चेंज हो रहा है तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। और अगर गेम्स हो रही हैं तो भी चलता है, ये गेम नहीं तो कोई और सही, राइट? इतनी गेमें हैं तो इतना कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो अच्छा था, पर अब वेट करेंगे कि नेक्स्ट जो है 200 के आसपास जो होने वाले हैं बैन, उसकी भी इंफॉर्मेशन जल्दी मिले, और ये जो 47 है इनके बारे में भी हमें पता चले एग्जैक्टली कौन कौन से हैं, थोड़ी और डिटेल आए। तो बहुत अच्छी न्यूज है ये, और इससे दिख रहा है कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, अपने सीरियस स्टेप्स लेने से बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रही है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।